हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज द डेटा, आपका डेटा वेयर हाउसिंग। ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एनटीयूजीसी नेट में मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हो, मैनेजमेंट में भी यूनिट 9 में आपका ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड हुआ है। इसके साथ ही साथ अगर आप बीबीए कर रहे हो या एमबीए कर रहे हो तब भी आप लोगों को ये टॉपिक आपका पढ़ने में आएगा ही आएगा। तो दैट इज द डेटा वेयर हाउसिंग। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये डेटा वेयर हाउसिंग, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम दो टर्म्स पढ़ने वाले हैं, डेटा वेयर हाउसिंग एंड दूसरा डेटा माइनिंग। आज हम डेटा वेयर हाउस पढ़ने वाले हैं, कल मैं आप लोगों को डेटा माइनिंग पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये लेक्चर्स आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा और अगर आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स के साथ में। और फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो चैनल है ये आपको पूरी तरह से एनटीयूजीसी नेट की प्रिपरेशन कराता है, साथ ही साथ आप लोगों को और भी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन आप लोगों की कराने में मदद करता है। तो व्हाट इज द डेटा वेयर हाउसिंग एंड व्हाट इज डेटा माइनिंग, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। So, data warehousing is the method of organizing and compiling data into the one database. कहने का मतलब ये है कि चीजों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना जो होता है, चीजों को कलेक्ट करना और इकट्ठा करना जो होता है, दैट इज कॉल्ड द डेटा वेयर हाउस। ये जो डेटा वेयर हाउस होता है यहाँ पर सारा की सारा, क्योंकि वेयर हाउस क्या होता है, वेयर हाउस का मतलब होता है वो जगह जहां पर आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो इकट्ठा रहता है, उसी तरह से डेटा वेयर हाउसिंग भी एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा आपका डेटाबेस है जहां पर आप अपना सारा के सारा डेटा जो है वो आप ऑर्गेनाइज और कंपाइल करके रखते हो। सो दैट इज डेटा वेयर हाउस, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। और व्हाट इज द डेटा माइनिंग और ये कैसे वर्क करता है, तो डेटा माइनिंग डील्स विद द फेचिंग द इम्पॉर्टेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से इम्पॉर्टेंट जितना भी आपका जो भी आपका इम्पॉर्टेंट आपका जो डेटा होता है उस डेटा को निकालना डेटा माइनिंग कहलाता है। समझ में आई बात? ठीक है, ये इसका बिल्कुल बेस है, कलेक्ट करना डेटा वेयर हाउस और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को पिक करना डेटा माइनिंग, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो लेट अस टॉक अबाउट डेटा वेयर हाउस। आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा जैसे आपका जो RDBMS हो गया या आपका SQL सर्वर हो गया या फिर फ्लैट फाइल्स के जो सर्वर्स हो गए, इन सभी से आपका जो डेटा है वो आपका ये स्टैजिंग एरिया तक जा रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और सारा के सारा डेटा जो है वो यहाँ पर कलेक्ट होता जा रहा है। तो ये डेटा जब यहाँ पर हर जगह से डेटा आ रहा है, DBMS से, SQL से, हर जगह से डेटा आपका आकर यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, सो दैट बिकम द डेटा वेयर हाउस, जहाँ पर आपका डेटा लोड हो रहा है, हर जगह का डेटा जो है वो लोड हो जाता है, वो डेटा वेयर हाउस कहलाता है। तो अगर हम साफ शब्दों में या सिंपल शब्दों में बात करें तो डेटा वेयर हाउस कलेबरेट द डेटा फ्रॉम द सेवलर सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज से डेटा को क्या करता है, कलेक्ट करता है, इंश्योर द डेटा एक्यूरेसी क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये क्या करेगा, ये डेटा वेयर हाउस डेटा को एक स्थान में स्टोर करने का एक माध्यम होता है। इस माध्यम से डेटा को स्टोर करने के लिए कई तरह के हार्डवेयर का भी यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये डाटा ऑटोमेटिकली हो जाता है, हम बहुत सारे हार्डवेयर भी इसके लिए इसको यूज करते हैं। और साथ ही साथ डेटा को सर्वर के समूह या फिर कंप्यूटर पर स्टोर करने के लिए डेटा वेयर हाउसिंग हम कहलाता है। जो ये डेटा जितना भी आपका जाता है वो कहाँ पर जाएगा, या तो हम सर्वर पर इसको स्टोर करेंगे या फिर हम इसको कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं। कौन सा डेटा, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से ले रहे हैं, यानी कि हमने DBMS से ले लिया, SQL सर्वर से ले लिया, फाइल सर्वर से ले लिया, वो सारा डेटा हम सर्वर पर या कंप्यूटर पर स्टोर करते हैं। तो ये जो आपका ये जो सर्वर और कंप्यूटर पर आप जब डेटा को स्टोर करते हो दैट इज कॉल्ड एज अ डेटा वेयर हाउस, इसी को आप क्या कहते हो, डेटा वेयर हाउस कहते हो। ठीक है, जिसमें आपका जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ नया डेटा ही आपका स्टोर रहेगा, जितना भी आपका पुराना डेटा है यानी कि आपका जो हिस्टोरिकल डेटा है वो भी यहाँ पर आपका सेव हो जाता है। ठीक है, नाउ ये जो डेटा होता है ये बहुत सारी क्वेरीज टूल्स यूज करता है सेवरल पैटर्न्स में अपने डेटा को कलेक्ट करने के लिए, और वेन एवर यू नीड इट आप उसमें से डेटा को पिक कर सकते हो। सो अगर सिंपल और सिंपल वर्ड्स में चाहिए तो डेटा वेयर हाउस एक तरह से डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करके मैनेज करने का एक प्रोसेस होता है। डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट और मैनेज करने की एक प्रोसेस होती है,
जिसमें आप अपने डेटा को कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो बिजनेस डेटा को डिफरेंट सोर्सेज के माध्यम से. नाउ डेटा वेयर हाउस इज अ टाइप ऑफ डेटा मैनेजमेंट सिस्टम. ये डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का एक टाइप होता है जो कि डिजाइन किया जाता है, डिजाइन टू सपोर्ट द बिजनेस इंटेलिजेंस. ये बिजनेस इंटेलिजेंस को सपोर्ट करने के लिए यूज होता है. लाइक जहां पर भी आपको रिक्वायर्ड होता है यू कैन यूज इट. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपको कस्टमर का डेटा चाहिए फॉर सेंडिंग द न्यू जो भी आप लोगों के ऑफर्स हैं उन ऑफर्स को आपको सेंड आउट करने के लिए. तो कस्टमर्स का जो डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए आप CRM मॉडल्स बनाते हो. तो उन CRM का भी जो डेटा होता है वो आपके डेटा वेयर हाउस में चला जाता है. कस्टमर का सारा की सारा डेटा आपका डेटा वेयर हाउस में चला जाता है एंड व्हेनेवर यू नीड इट यू कैन पिक दैट. आप उसको पिक करके उसको यूज कर सकते हो. सो नाउ द डेटा वेयर हाउस का जो काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को स्टोर करना ही नहीं होता है बल्कि ये डेटा को सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है. ठीक है, इट प्रोवाइड द सिक्योरिटी ऑफ द डेटा. ये क्या करता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है डेटा को. ठीक है, जिससे कि डेटा वेयर हाउस कई प्रकार के रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. ये आप जानते ही हैं, बहुत सारी जगह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है. तो उस इंफॉर्मेशन में सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड है. तो वही चीज यहाँ पर भी की जाती है. और अगर सिक्योरिटी होती है तभी हम उस डेटा को लॉन्ग टर्म्स के लिए क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और व्हेनेवर वी नीड इट वी कैन एक्सेस दैट. हम उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. तो इतना इम्पॉर्टेंट है हमारा डेटा वेयर हाउस. जस्ट लाइक कि हमने क्या किया है अपना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो पिगी बैंक होता है उस पिगी बैंक में जहां से भी उनको पैसा मिलता है वो कलेक्ट करते जाते हैं जहां से भी पैसा मिल रहा है वो उसको कलेक्ट करते जा रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पुराने से पुराना जो पैसा होगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो क्योंकि वो यहाँ पर स्टोर रहता है. और जब उसे रिक्वायर्ड है अपना कोई टॉय खरीदना है या कुछ स्पेशल चीज जो मम्मा ने कहा नहीं अपनी पिगी बैंक से आप लोगे, वो उसको यूज करता है. सेम ऐसा ही हमारा जो कंप्यूटर है इसमें हम सारा डेटा जो है डिफरेंट जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं और जब हमें रिक्वायर्ड होती है हम उसको यूज कर लेते हैं. सिंपल है, एज सिंपल एज. सो दिस इज द डेटा वेयर हाउस जिसमें हमने ऑपरेशन सिस्टम, ERP, CRM, फ्लैट फाइल जो मैंने भी आप लोगों को बताया था, सबसे हमने अपना डेटा जो है वो लोड करा लिया है. ठीक है, सबसे डेटा लोड करा लिया है. अब ये जो मेटा डेटा, समरी डेटा, रॉ डेटा, ये हमारा डेटा वेयर हाउस में कलेक्ट हो चुका है. ठीक है, सारा की सारा डेटा हमारे डेटा वेयर हाउस में कलेक्ट हो गया है. और whenever they needed हम यहाँ पर डेटा माइनिंग कर देते हैं. लाइक रिपोर्टिंग के लिए, आपका एनालिसिस के लिए या डेटा माइनिंग के लिए आप उस डेटा में, इस डेटा वेयर हाउस से डेटा को पिक कर लेते हो. सो दिस इज द डेटा वेयर हाउस. इसके कुछ फीचर्स भी हैं. वो फीचर्स क्या हैं कि ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. दैट मीन्स कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए यहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है, चाहे वो आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो, कस्टमर से रिलेटेड हो. आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिस पर आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो. इंटीग्रेटेड होता है, डिफरेंट हेट्रोजीनियस सोर्सेज के माध्यम से आप यहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हो तो ये इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है. टाइम वेरिएंट होता है, डेटा कलेक्टेड जो डेटा वेयर हाउस होता है उसमें स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर ही आप अपना डेटा कलेक्ट करते हो. और नॉन वॉलेंटाइल होता है, दैट मीन्स कि कोई भी डेटा आप यहाँ पर डिलीट नहीं कर सकते हो, लेकिन हाँ न्यू डेटा आप ऐड कर सकते हो इस डेटा वेयर हाउस में. ठीक है ना, अर्लियर डेटा इज नॉट डिलीटेड. पुराना डेटा आपका डिलीट नहीं होगा, नया नया डेटा आपका होता जाएगा. और ऑपरेशन डेटाबेस जो है आपका वो डेटा वेयर हाउस में आपका सेपरेटली जमा भी रहेगा. सो दिस इज द नॉन वॉलेंटाइल. सो दिस इज अबाउट द फीचर्स. नाउ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है, बहुत जगह इसका यूज होता है. कंज्यूमर गुड्स में यूज हो जाएगा, बैंकिंग सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, मैनुफैक्चरिंग सर्विस, रिटेल सेक्टर्स, हर जगह जहां पर आपको डेटा चाहिए, जहां से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो. बैंकिंग के कस्टमर्स या बैंकिंग का जो पूरा डेटा होता है वो आपकी हम बात करें, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, कस्टमर्स जो कुछ परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम डेटा की बात करें, एवरीवेयर वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा. सो जहां डेटा है वहां पर डेटा वेयर हाउस होगा ही होगा. सो दिस इज द डेटा वेयर हाउस. और इसके साथ ही साथ ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट होता है, जो आपके डेटा को क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराता है, परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कराता है, एक्यूरेसी देता है, कंसिस्टेंसी देता है और बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प भी करता है. क्योंकि यू हैव डेटा ना, आपके पास डेटा है
तो डेटा के बेसिस पर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहो आपको मदद मिलेगी। जैसे कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपने क्वेरीज करी हुई थी, डेटा आपके पास मौजूद था, उस क्वेरीज को आपने देखा तो देखा कि भाई ये इस तरह की जो चीज़ है उसके लिए लोगों की डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो यू आर मूविंग फॉर दैट वन। सो डिसीजन मेकिंग में भी ये बिजनेस को आपको हेल्प करेगा। सो इसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ इसके टाइप्स, कुछ टाइप्स भी हैं डेटा वेयर हाउस के। वो जैसे पहला है आपका इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, दूसरा है ऑपरेशनल डेटा वेयर हाउस, सॉरी डेटा स्टोर, और तीसरा है आपका डेटा मार्ट। ठीक है, तो EDW, ODS और डेटा मार्ट, ये तीन तरह के आपके यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस मौजूद है। इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, एटलीस्ट यू शुड नो द नेम, आपको नेम्स याद रहने चाहिए। ठीक है, तो इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल डेटा स्टोर, ये वेयर हाउस है जो इंटरप्राइजेस में ऑपरेशंस में डेटा को स्टोर किया जा रहा है, और डेटा मार्ट। सो ये जो होता है ये सेंट्रलाइज वेयर हाउस होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस की बात की जा रही है। इट प्रोवाइड डिसीजन सपोर्ट सर्विसेज, ये डिसीजन सपोर्ट्स में मदद करता है। ये आपका यूनिफाइड अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशंस में जो डेटा को रिप्रेजेंट करती है, और ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो और व्हेनेवर यू नीडेड आप उसको यूज कर सकते हो। तो सेंट्रलाइज डेटा वेयर हाउस। ऑपरेशनल डेटा स्टोर, ये एक डेटा स्टोर होता है used as an alternative to the decision support system. Okay, ये DSS जो decision support system है आपका, उसका ये alternative होता है operational data store, ODS जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ पर data जो रहता है वो refresh होता है real time में, real time का आपका data यहाँ पर use किया जाता है। So that's why it is used for routine task. ये जो होता है ये routine task के लिए use होता है, to store the record of employees, that is basically, ठीक है। तो ये आपका सेंट्रलाइज वेयर हाउस है, ये आपका रूटीन टास्क के लिए बनाया गया वेयर हाउस है। अब नेक्स्ट आता है डेटा मार्ट। डेटा मार्ट सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस का क्या है, ये एक सबसेट होता है। इट हैज बीन डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ऑफ बिजनेसेस सच एज सेल्स, फाइनेंस एक्सेट्रा। तो ये स्पेशली बनाया जाता है डेटा मार्ट एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको ये पता करना है कितना सेल्स हुआ है, सेल्स का कितना डेटा हमारे पास मौजूद है, फाइनेंस का कितना डेटा हमारे पास मौजूद है, उसके लिए इसे बनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जिनमें आपका डेटा जो है वो कलेक्ट होता है डिफरेंट सोर्सेज से। सेल्स के लिए डेटा हो गया, फाइनेंस हो गया, HR हो गया, कस्टमर्स के लिए डेटा हो गया, तो दैट इज द डेटा मार्ट, मतलब एक सबसेट हो गया। कहने का मतलब है कि दिस इज योर वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस, और यहाँ पर ये बन गया आपका डेटा मार्ट अलग 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 पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज द टाइप्स ऑफ डेटा वेयर हाउस। थ्री टाइप्स है, इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस, ऑपरेशनल डेटा स्टोर एंड डेटा मार्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कल की क्लास में हम देखेंगे डेटा माइनिंग। ठीक है, तो अभी जो हमने देखा है इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं, एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, और इसके टाइप्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू लाइक द सेशन देन लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा सभी के साथ में, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप पहली बार आए हैं तो, और लाइक टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिससे आप लोगों को अपकमिंग सारी इवेंट्स की, लाइव क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।